ने बाइक सवार वकील को रौंद दिया है। वकील रमन कश्यप की मौके पर ही मौत हो गई। भागने के दौरान स्कॉर्पियो ने तीन अन्य लोग को कुचल दिया। वकील रमन कश्यप की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। भागने के दौरान स्कॉर्पियो ने तीन अन्य लोगों को कुचल दिया। आपको बता दें कि स्कॉर्पियो सवार गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। थाना महाराजगंज के लोकहवा के NH 730 की घटना है जहां पर ये हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंद दिया है, बाइक सवार वकील को रौंद दिया है, जिसके बाद वकील की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है शव को। फिलहाल स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। हालत गंभीर होने पर तीनों हायर सेंटर रेफर है। आपको बता दें कि स्कॉर्पियो सवार गाड़ी ने तीन और लोगों को रौंद दिया, जिसके बाद तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कार सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने बाइक सवार वकील को रौंद दिया, जिसके बाद वकील की मौके पर ही मौत हो गई। वकील रमन कश्यप की मौके पर ही मौत हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि कार सवार ने तीन और अन्य लोगों को भी रौंद दिया, जिसके बाद तीनों की हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है, साथ ही साथ फरार आरोपी की तलाश में भी पुलिस जुट गई है। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की ये तस्वीरें हैं जहां पर स्कॉर्पियो कार ने बाइक सवार वकील को रौंद दिया।